एमपी के शहडोल में इंसान के साथ साथ भूत भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, या हम नहीं बल्कि प्रशासन के आंकड़े बोल रहे हैं। टीकाकरण के आंकड़े की पोल खोलती तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सामने आई है, जहां आंकड़े बढ़ाने के फेर में मृतक को कोविड का टीका लगवा दिया गया। वहीं जिले में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड का दूसरा डोज लगा ही नहीं, उन्हें दूसरे डोज लगने का मैसेज भी आ गया, जिससे इस बात को लेकर हैरान है कि जब उन्हें कोविड का दूसरा डोज लगवाया ही नहीं गया तो प्रशासन के रिकॉर्ड में उनका टीकाकरण कैसे हो गया। अब वो इस बात को लेकर परेशान है कि जब उनका निर्धारित समय पर टीका लगवाना होगा तब उन्हें टीका कैसे लगेगा। एक्चुअल में 25 मार्च को पहली वैक्सीन डोज लगी थी, 25 मार्च को डोज लगने के बाद उनका 15 अप्रैल को कोविड की वजह से उनका देहांत हो गया है, लेकिन अभी 10 तारीख को फिर एक मैसेज आया है कोविड उसका वैक्सीनेशन कंप्लीटेड का, सेकेंड डोज का 10 तारीख का। और मैं इसलिए उसमें हैरान हूँ कि अभी तक मतलब ये उनके ना रहने पर भी ये डोज कंप्लीट कैसे हो गया। कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी 14 सितंबर को, जो कि मुझे 13 दिसंबर को लगनी थी, मुझे बिना वैक्सीन लगे मेरे में सर्टिफिकेट आ चुका है कि मुझे सेकंड डोज लग चुकी है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन भी करी थी, जिसके द्वारा उसने बिना बात सुने मेरा फोन काट दिया गया था। अब मैं चिंता पे हूँ कि मुझे वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे बिना लगे ही वैक्सीन के डोज का सर्टिफिकेट आ चुका है। ऐसे मेरे 3-4 दोस्त लोग भी साथ भी यही हुआ है, और भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगी नहीं है फिर भी उनके मैसेज आ चुके कि उनको लग चुकी है। कुछ लोग तो डेथ हो चुकी है उनके, फिर भी उनके पास मैसेज आया कि उनको वैक्सीन लग चुकी है। और अभी मैंने लॉकडाउन के टाइम में फर्स्ट डोज लगवाई थी, और अभी उसके बाद 3 महीना होने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण मैं सेकेंड डोज नहीं लगवा पाया था। और अभी 3-4 दिन पहले मेरे में मैसेज आया कि आपका सेकेंड डोज सक्सेसफुल हो गया, जो कि मैंने अभी तक सेकंड डोज ली नहीं है। शहडोल जिला मुख्यालय के सोखी मोहल्ला निवासी वृद्ध प्रेम लाल चौरसिया को मार्च में पहला डोज लगा था। 15 अप्रैल 2021 में कोविड संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई थी। 10 नवंबर को दूसरा डोज पूरा होने का परिजनों के पास मैसेज आया। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय के धनपुरी वार्ड 15 निवासी मेडिकल स्टोर संचालक आशीष गुप्ता की पत्नी निर्जा गुप्ता को कोविड वैक्सीन लगी ही नहीं और दूसरा डोज कंप्लीट होने का मैसेज भी आ गया। इसी तरह ग्राम चुनिया निवासी सुशील वर्मा, रूपेश पटेल, कृष्णा सेन, प्रद्युमन यादव, कोयलारी फाटक कल्याणपुर निवासी सुशील ड्राइवर, सुहागपुर आईटीआई के समीप रहने वाले अरुण कोरी, गांधी चौराहे के समीप रहने वाले ऋषभ गुप्ता सहित घरोला मोहल्ला निवासी एक महिला व एक और महिला सहित अन्य ऐसे कई लोग हैं जिन्हें भी कोविड वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया, जबकि उन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी। हाँ, एक हाथ प्रकरण वो मेरे संज्ञान में आ गए हैं। उसमें कई बार क्या होता है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर अगर एक भी डिजिट गलत हो गया तो फिर वो हो जाता है, तो उसको संज्ञान में ले लिया हम लोगों ने। अभी सभी ब्लॉक में हमने प्लान किए हुए हैं, 350 के करीब हमारे सेशन साइट्स हैं, और अर्बन में हमने मोबाइल यूनिट चालू की है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर लोग मजदूरी करके शाम को आते हैं लौट करके, उन स्थानों को चिन्हित करके हमने वैक्सीनेशन का टाइम थोड़ा चेंज करके और उसको हमने शाम के टाइम पर हम वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ आज के लिए 38 शहर का टारगेट फिक्स किया है राज्य स्तर से। वर्तमान में सभी जगह अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम टारगेट को प्राप्त कर लें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।